नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भव्यदीप भाटिया। आज मैं आपसे एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जो कि एक कह लीजिए कि एक तरह से एक फ्रॉड है। सोशल ट्रेड के नाम से उसे फ्रॉड का नाम दिया गया था और 8 से 10 लाख लोग कम से कम उसमें फंसे हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जो 8 से 10 लाख या 15 लाख लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है इस अबलेज नाम की कंपनी के अंदर, और जिसके CEO श्री अनुभव मित्तल जी हैं जो कि इस समय अंदर हैं, और ये बोला जाता है कि उन्होंने 37,000 करोड़ रुपए का गबन किया है। देखिए दोस्तों, नेगेटिविटी मैं सारी जो है ख़त्म करते हुए सिर्फ कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना चाहता हूँ। और मैं ये अपील है मेरी इस वीडियो के मतलब माध्यम से श्री योगी जी से कि वो समझें कि 10 लाख लोग जिसके अंदर हैंडीकैप लोग थे, जिसके अंदर इस तरह के लोग थे जो कि चल नहीं पाते, जिन लोगों का वो अबलेज सहारा भी था, उस अबलेज ने रोज़गार भी दिया था। और ऐसी बात नहीं है कि आपने या आप ने से मेरा मतलब तात्पर्य है कि पिछली सरकार ने या हमारे सिस्टम ने उनको तुरंत से मिस्टर अनुभव मित्तल को अंदर कर दिया, ये कह के कि मल्टी लेवल मार्केटिंग इन्होंने इसमें ऐड कर दी जो कि सर्विसेज के बेस पे नहीं हो सकती है। आई एग्री, पर उन व्यक्ति ने अपना सारा सिस्टम जब इम्प्रोवाइज कर लिया था, उन्होंने एक डीएमआर्ट नाम से एक वो कर लिया था, एक फ्रेंड्सअप के नाम से सारा जो है सारा अपग्रेडेशन कर दिया था। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि सरकार चाहे कोई भी रही हो, उस सरकार के साथ विदेशी कंपनी मिलकर अगर किसी इंडियन कंपनी जो कि अबलेज है उसको उभरने नहीं दे रही, तो हम भारतवर्ष के जितने भी हम लोग सिटीजन्स हैं जो कि चीटेड हैं इस समय, और वो चीटिंग सबसे बड़ी बात यह है कि अनुभव मित्तल जी ने की नहीं है। पर अनुभव मित्तल जी अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करें जब तक वो बाहर नहीं आएंगे? और क्या उनको बाहर आना है या नहीं आना है, या क्या कितना उन्होंने कानून को क्षतिग्रस्त किया है, ये देखिए इसका जजमेंट लेने वाले हम लोग कोई नहीं है। मेरी सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जब सारा का सारा पैसा 37,000 करोड़ इन्होंने NEFT के तहत एक एक व्यक्ति विशेष से लिया है, और उस पैसे को ये रोटेट करके लाइक्स के बेस पे क्लिक करवा कर वापस पर डे पे एक फिक्स्ड अमाउंट करते थे, जिनका जितना अमाउंट उनको वापस मिल चुका था, आई मीन टू से कि लॉस के जो कवरेज है एटलीस्ट वो तो दी जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 57,000 रुपये का एक उनके साथ प्रोग्राम लिया, उस प्रोग्राम में मेरे को रोज के 500 रुपये आते हैं मान लीजिए, वो 500 रुपये 30 दिन आए जो कि मेरे को आने थे सारी ज़िंदगी जिससे मैं कमाता, परंतु आपने उनको अंदर कर दिया। अब वो आने बंद हो गए, कंपनी आप लोगों ने सीज कर दी। अब जितना पैसा मुझे मिला वापस अभी तक उन दिनों में जब तक वो अंदर नहीं गए थे, उसके बाद का पैसा जो है, पहली बात तो मित्तल साहब की जिम्मेवारी है कि वो हमें वापस लौटाएं। मित्तल साहब को कोई बोलने दे रहा है नहीं बोलने दे रहा, ये हमारा आउटलुक वैसे तो नहीं है, परंतु हम उनके साथ हैं इन द सेंस बिकॉज हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, हम लोगों ने उनके साथ पैसा लगाया था। तो मेरी जो है योगी जी से और सुप्रीम कोर्ट से ये अपील है कि ट्रांसपेरेंटली जितनी NFTs का एक इस तरह का एनालिसिस निकाला जाए कि जो पैसा उन लोगों ने बैंक के थ्रू ग्रहण किया है और जो पैसा उन्होंने जिस लेवल पे जितना लोगों को वापस करना था वो अगर आइडियली कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं किया है, लॉस की रिकवरी भी नहीं हुई है, तो आप लोग उस लेवल पे एक कमेटी बिठाकर हम लोग जो हैं जो कि बेसिकली इल्लीगल हम लोग तो नहीं कर रहे थे, अगर आप कहते हो वो काम इल्लीगल था, इल्लीगल काम हम तो नहीं कर रहे थे, ISO सर्टिफाइड कंपनी थी, प्रॉपर गवर्नमेंट नॉर्म्स के ऊपर कंपनी चल रही थी, प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनी चल रही थी, सरकार कैसे हो रही थी कंपनी को क्यों रजिस्टर किया, हम लोग कौन हो गए फिर? हम लोग तो चीटेड हो गए। हम लोगों ने सिर्फ उनके दस्तावेजों को बहुत अच्छे से परखा, इस सिस्टम को देखा, उसके बाद दस्तावेज ओके थे, कंपनी ISO सर्टिफिकेशन था। ISO का सर्टिफिकेट आप मिठाइयों की तरह क्यों बांट देते हैं हर एक को? क्यों कड़े पैरामीटर्स नहीं है अगर बांट दिए जाते हैं तो? और क्या पैसा एक्सेप्ट जो कंपनी कर रही है उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या हो कैसे आप उन पे सरकार निगरानी रखती है, ये सारे खैर हमारे कंसर्न नहीं है, पर जो 8 से 10 लाख लोग इस समय फंसे हुए हैं, कृपया उन्हें आप लोग वापस निकालिए, और हो सके तो इस
पूरे कंसेप्ट को समझकर, अगर मान लीजिए कोई विदेश की कंपनी हमारी इंडियन अभिलेस को फ्रेंड्सअप के अंदर चेंज होके, अगर वो जो वो भरने वाला था उन्होंने मिलकर पिछली सरकार के साथ एक तरह का कह लीजिए ट्रैप डाल दिया कि जिसके कारण अभिलेस जो है फंस गया और हम 8 से 10 लाख लोग भी फंस गए। हमारी क्या गलती थी? जब डॉक्यूमेंट्स पूरे कंपनी के, अनुभव मित्तल इंडियन भारतीय पूरा है, उसके सारे कागज पूरे हैं, तो आप श्री अनुभव मित्तल जी से अपनी पूरी बातचीत कर लीजिए। इस प्रोसेस पे कितना टाइम लगना है, उस प्रोसेस का एक पूरा आंकलन करके, कम से कम जो हम लोग हैं, पहली तो रिक्वेस्ट मेरी ये है कि पॉजिटिविटी की तरफ, कि अनुभव मित्तल जी को बाहर करके इन कंपनीज को डेवलप करने दिया जाए और उनको एक पीरियड दिया जाए कि वो अपने सारे इन्वेस्टर्स का पैसा वापस कर सके। पहली तो मेरी दरख्वास्त यही है। अगर आप वैसा नहीं कर सकते तो मेरी दरख्वास्त ये है कि ठीक है, आप उन्हें मत काम करने दीजिए अगर नहीं करना देना चाहते, पर वो जो 37,000 करोड़ रुपया है जो कि सरकार के पास इस समय है, उन्होंने जो सीज कर लिया है, उस पैसे में से जो पैसा हम या मेरे साथ के जितने भी ऐसे कुछ लोग भी हैं, देखिए इसमें इन्वॉल्व, जो कि हैंड टू माउथ है, जो कि बहुत मुश्किल से जिन्होंने ये पैसा कमा के या इधर उधर से पकड़ के दिया था, और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी कगार पे पहुंच गए थे जो कि सुसाइड भी कर सकते थे, जिनको रोका है मैंने कईयों को। तो आम इंसान को, आम जनता को समझिए, आप सीधा किसी निष्कर्ष पे मत पहुंचिए। और मेरी सोशल ट्रेड के सभी इन्वॉल्व व्यक्तियों से, पूरे एक एक मेरे साथी से जो कि सोशल ट्रेड में इस समय वो काम कर रहा था, जो कि मेरी अपलाइन है, मेरी जो डाउनलाइन है, जो भी ये लोग सिस्टम्स हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक अपील की तरह किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और जो है सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज हैं उनके सामने पहुंचाया जाए, ताकि हम लोगों के साथ जस्टिस हो। और अगर जस्टिस होना है हम लोगों के साथ तो कब तक हो जाएगा, उसका भी एक हमारे को, अगर मान लीजिए समय लग रहा है, मान लीजिए बहुत डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत प्रोसेस लंबा है, हमें एक टाइम दिया जाए, हमें कोई एड्रेस कर दे वहां से, सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति या कोर्ट की तरफ से कोई एड्रेस तो करे हम लोगों को, सोशल ट्रेड वाले उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने अपना पैसा फंसा रखा है इसके अंदर, जो कि 37,000 करोड़ हमारा है। समझ रहे हैं आप, ये 37,000 करोड़ हमारा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज कोऑपरेट। और मेरी सभी दोस्तों से, मेरे सोशल ट्रेड के साथियों से, भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितनी जल्दी हो सके तेजी से शेयर करें और इसको राइट डेस्क पे पहुंचाएं, ताकि हमारा जो मिशन है कामयाब हो और जो गरीब आदमी हमारे साथ जो इस समय सफर कर रहा है उसको अपना जस्टिस मिले। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और सोशल ट्रेड के सभी लोगों से फिर से अपील कर रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच।